यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर जेट5 ब्रांड न्यू गेम प्ले। तो गाइस मेरे साथ पतोड़ा सिंचर और हम जा रहे हैं अभी पैनिक पास। जैसे गाइस आप लोगों को पता ही होगा, मैंने लास्ट वाला गेम प्ले बनाया था जिसके अंदर आप मैं फोर्जा होराइज़न 4 में गया था, वहां पर हमने रेस की। तो आप में से काफी बंदों को गेम प्ले पसंद आया और आपने कहा इसका सेकंड पार्ट जरूर आना चाहिए सुमित भैया। तो गाइस बट तो गाइस मैंने एक चीज नोटिस की, जब आपके कमेंट्स पढ़ रखे आप कमेंट नहीं करते हो वीडियो के नीचे। यार कमेंट जरूर करा करो, कैसा भी कमेंट करा करो, वीडियो अच्छी है बुरी है जैसी भी आपको लगे वीडियो के नीचे जरूर बताया करो, वीडियोस की कमी बताया करो। और गाइस यार कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करो, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, जिससे तुम्हारा भाई मोटिवेट हो जाए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाए। और यार लास्ट में यार देखो यार 100% में से भाई 20% बंदों ने सब्सक्राइब कर रखा है और 80% बंदे बस वीडियो देख के चले जाते। भाई ऐसा थोड़ी होता है, कहीं पर जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पर मैं अभी आया हुआ हूँ बैनी के पास और भाई प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि भाई फोर्जा होराइज़न 4 वालों ने भाई मेरे पास मैसेज किया है और उन लोगों ने कहा है कि उसकी सुमित भैया जैसा कोई बुरा आदमी नहीं है ना पूरे फोर्जा होराइज़न 4 में, तो उनकी जैसी बुरी सिकल वाले का आदमी चाहिए रेस लगाने के लिए। अब सिंचन यार तू मुंह बंद करा कर, ये थोड़ी कहा था उन्होंने, सुमित भैया ऐसे ही कुछ कहा था मेरे को तो याद है। तो यार बैनी यार मैं तेरे पास तो आ गया बैनी भाई, यार छोटा सा काम यार तुझसे। अरे बोल यार, तेरे लिए तो खड़ा हूँ यार यहाँ पर। अब यार बैनी यार मेरे को यार एक गाड़ी चाहिए यार, फोर्थ होराइज़न 4 में रेस करके आनी है, उसके लिए मुझे एक गाड़ी की परमिशन चाहिए जिससे मैं उस फोर्थ होराइज़न 4 में एंट्री कर सकूँ। क्योंकि आपको पता है फोर्थ होराइज़न 4 में एंट्री करने के लिए आपके पास एक सुपर कार होनी चाहिए। तो गाइस अभी मैंने बैनी से तो सारी बातें कर ली तो, और बैनी ने मेरे को कहा कि भाई उसके पास कोई भी सुपर कार नहीं है। तो अभी उसने क्या किया, अगर मैं उसके लिए कोई खटारा कार ले आऊं और वो इसको मॉडिफाई करके एक सुपर कार के अंदर चेंज कर देगा। तो गाइस उसका मुझे ये प्लान काफी अच्छा लगा है। तो अभी मैं और सिंचन जाने वाले एक बढ़िया सी सुपर कार कहीं से लाने के लिए, सुपर कार नहीं मतलब भाई अब मैं जाने वाला हूं कबाड़ियों के पास। तुम्हें पता हो मैं और भाई सिंचन काफी हमारे बड़े बड़े बिलियनर्स जो GTA 5 के अंदर रहते हैं, वो अपनी डेली गाड़ियों को तोड़ते हैं। तो गाड़ियों को तोड़ने के बाद हम कौन से अपने घर पे थोड़ी रखते हैं, कबाड़िया उनको ठाक ले जाते हैं कबाड़ी वाले, और कबाड़ी वाले अपने घर पर खड़ी कर लेते हैं उसको कबाड़ में। तो गाइस उन्हीं गाड़ी को मैं परचेज करके लाऊंगा या फिर उनको चुरा के लाऊंगा, उनका बाड़ी जो भी वो भंगार होगा, और उसको मॉडिफाई करवाएंगे हम एक सुपरकार के अंदर, फिर उसको मैं अपने फोर्जा होराइज़न 4 में लेके जाने वाला हूं। सुमित भैया ऐसी चीजें में तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। वैसे सिंचन मेरा दिमाग हर जगह चलता है पर तेरा दिमाग नहीं चलता है ना, ज्यादा बकवास मत करो। अब यार देखो यार पहले वाले कबाड़ी के पास मैं आ चुका हूं यार, प्लीज यार भगवान इसके पास ही मुझे कोई खटारा कार मिल जाए जिसको मैं मॉडिफाई करवा के एक सुपरकार के अंदर मॉडिफाई करवा सकूं। तो यार हट जाओ यार, कोई भी नहीं है यार यहां पर, तो एक भी कार नहीं है। अबे यार यहां पर इतनी भीड़ क्यों हो रखी है यार, मेरे को पता नहीं था यहाँ पर भी ऐसा कुछ स्केटबोर्ड कोर्स है। इस पे यार आऊंगा किसी दिन स्केटबोर्ड चलाने के लिए। सुमित भैया यार मुझे जरूर लेके आना, अब तेरे को नहीं लेके। ओ भाई भाई भाई, भाई यहाँ पर कोई कार खड़ी है यार, ये तो यार कुछ ज्यादा ही बुरी हालत में, एक बार चेक करनी पड़ेगी कौन सी कार है। इसको चेक करते हैं, सुमित भैया तो काला पतीला है। अब मुझे भी दिख रही है पर यार मेरे को तो कोई काफी खतरनाक स्पोर्ट्स कार दिख रही है यार, आपको भी लग रहा है पता नहीं यार कौन सी कार, क्योंकि यार ये बिल्कुल जल चुकी है, मतलब बहुत बुरी तरह इसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, बहुत बुरी तरह ये जली पड़ी है, पर इसके जो मेटल वो अभी सुरक्षित है। तो यार इस दीदी से पूछता हूँ, हेलो दीदी क्या यार तुम बता सकती है कौन सी कार है। अरे कौन सी कार, कहाँ पर कार, मेरे को दिखाओ कार। बे आपके साइड में तो ये गाड़ी खड़ी है। ये कबाड़ा, ये कहाँ से तुम्हें गाड़ी दिखती है। अबे बताओ तो कौन सी गाड़ी है। ये असल में लैम्बोर्गिनी वेन्यू है जो एक स्पोर्ट्समैन ने तोड़ दी थी, यहाँ पर लाके आग लगा दी थी उसको। भाई सब लैम्बोर्गिनी वेन्यू, थैंक यू सो मच। अबे इस कबाड़ी का क्या करेगा तू। अबे यार तुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे काम करना है। पता नहीं कहाँ कहाँ से इतनी खतरनाक कबाड़ी आ जाते हैं। तो यार मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी को यार अपने ट्रक के अंदर लोड कर दिया है सिंचन, बढ़िया बात है। भाई भाई यार मेरे को तो बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है, मतलब इतनी बढ़िया कार मेरे को मिल चुकी है पर यार बहुत ज्यादा दिक्कत है इसको फिर से रिस्टोर करके, इसको बिल्कुल नए मॉडल में लाना। तो यार इसको मैं जल्दी से अब बैनी के पास लेके चलता हूँ, जैसा कि बैनी ने कहा था कि उसके लिए एक मैं ओल्ड कार लेके आऊँ। तो यार ओल्ड इज गोल्ड, अब देखते क्या पता उसको मॉडिफाई करके मस्त वाली सुपर कार बनाते, और उसको मैं डायरेक्ट लेके चलूंगा एयरपोर्ट पे और वहां से चलेंगे डायरेक्ट फोर्थ होराइज़न 4 में, और वहां से भाई जीत के लाएंगे और भी महंगी महंगी चीजें। चलो यार मैं जल्दी चलता हूँ बैनी के पास। फाइनली यार मैं भगाते भगाते आ चुका हूँ बैनी के स्टोर के ऊपर। ओ भाई 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 सुमित भैया यार मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती। क्या क्या समझ में नहीं आती तुझे। फोर्ज होराइज़न 4 के अंदर तो आप बिल्कुल प्रो प्लेयर बन जाते हो, कैसे। भाई मुझे खुद नहीं पता है। अरे लेके आ गया गाड़ी। अबे लेके आ गया यार बैनी, यार तूने जैसा कहा था देख यार मेरे को मिल तो गई है। अबे यार ये काला पतीला कहाँ से उठा के ले आया। अबे यार ले तो आया यार, अब यार यही मिला मेरे को फिलहाल। तो यार जल्दी जल्दी इसको रिस्टोर कर दे यार बैनी प्लीज यार। तो यार यहाँ पर बैनी अपने काम पर लग चुका है इसको रिस्टोर करने के लिए। तो यार अब हम यहाँ से चलते हैं सिंचन। तो यार बैनी क्या देख रहा है, जल्दी इस काम पे लग जा। तो गाइस बैनी अब अपने काम पे लग चुका है, इसकी वेल्डिंग वोल्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो बैनी कल आज शाम तक आ जाऊंगा यार, आज शाम तक इस गाड़ी को बिल्कुल टिक टॉक कंडीशन में कर दियो। ठीक है बैनी मैं चलता हूँ यार। आजा सिंचन क्या कर रहा है। पैर को तो यार तुम्हें पकड़ने की बहुत ज्यादा जल्दी लगी रहती है, पता ही नहीं क्यों। अबे यार तुझे पता है यार शाम तक यार एंट्री फुल हो जाएगी यार फोर्थ होराइज़न 4
की और उन्होंने यार मेरे पास यार बड़ी इज्जत से मेरे पास वो इनविटेशन भेजा यार, भूल गया क्या? मुझे पता है कितनी इज्जत से आपके पास भेजा है। तो फाइनली गाइस यार मैं शाम हो चुकी है और मैं जल्दी चल रहा हूँ और फिर से मैं साइकिल लेके आया हूँ। अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि यार ये सिंचन घर से इतना खा के आया, क्यों यार बहुत ज्यादा जोर लग रहा है मेरे को साइकिल चलाने में। उसमें भैया कुछ ज्यादा थोड़ी खाया है, मैंने सोई तो मूली के परांठे खाए थे। अब सौ मूली के परांठे कौन खाता है बे यार, मैंने दो मूली के परांठे खाए थे, वो तो मैंने छोड़े नहीं बना, अभी तो सौ खाते हैं। हाँ वो अलग बात है यार, तो यार मैं क्या करूँ, अब सारी मूली खत्म हो गई। अबे यार यार तू यार देख इतना गंदा आदमी यार बैन, यार तूने अभी तक मेरी गाड़ी का काम करके नहीं दिया, पूरा कहाँ है मेरी गाड़ी? अबे यार ये गाड़ी तेरी गाड़ी, अबे ये गाड़ी है मेरी। सुमित भैया ये तो काला कौवा है क्या? अबे ये काली यार, वो तो बिल्कुल भाई इतनी बुरी थी यार, वो बिल्कुल काले कलर की, मेरे को नहीं पता था यार बैनी तू इतनी ज्यादा अच्छी तरह इसको मॉडिफाई कर देगा। सुमित भैया यार बैनी तो बिल्कुल प्रो है, इसने तो कचरे में से हीरा निकाल लिया। अबे यार वही तो मैं कह रहा हूँ भाई यार बैनी, यार तू तो बहुत तगड़ा बंदा है यार बैनी, यार थैंक यू सो मच यार भाई, आगे से भाई इससे मॉडिफाई कराया करूंगा, हमेशा इससे करवाते हैं, थैंक यू यार बैनी सो मच। अबे यार दोस्तों को थैंक यू। अबे ये क्या कर रखा है? अबे यार इसके टायर बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं यार, इसलिए यार नहीं डाल पाया। ओ भाई मेरे दिमाग में एक प्लान आया, इसके टायर इसने नहीं डाले तो मैं क्या करूंगा, फोर्ज ओरिजन फोर में जाके फ्री में इसके टायर डलवा लूं, क्योंकि यार वहां पर कार रेसर्स होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ द कॉस्ट गाड़ियां रिपेयर हो जाती है। सुमित भैया तुम्हारी ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा दिमाग चलता है। अबे यार तेरा भाई प्रो है ना यार, मेरे को पता है फोर्ज ओरिजन फोर में इसको फ्री में रिपेयर कर देंगे, इसके टायर्स नए डाल देंगे बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी का। तो चलो यार मैं जल्दी चलता हूँ फोर्ज ओरिजन फोर के अंदर। तो गाइज अभी दो घंटे पहले मेरा प्लान लैंड हुआ है और मेरी कार भी इंपोर्ट होकर आ चुकी है। देखो यार यहाँ पर फोर्ज ओरिजन फोर के आने बाद भाई मतलब मेरी कार देखो कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। सुमित भैया यार मतलब इतनी मक्खन गाड़ियां हो जाती है। सुमित भैया प्यार से, अबे यार मतलब इतना ज्यादा हॉर्स पावर कहां से आ जाता है गाड़ियों के अंदर, GT5 के अंदर तो नहीं रहता यार इनके अंदर। सुमित भैया ये फोर्ड होराइज़न 4 का चमत्कार है। अबे यार मुझे तो पता है पर यार भाई 200 किलोमीटर इन जस्ट 10 सेकंड हो भाई। सुमित भैया प्यार से मारो कि क्या, पर नहीं यार मतलब मेरे को लगा मैं GT5 के अंदर हूँ यार, मैं मतलब जो भाई यार क्या ड्रिफ्टिंग मार रही है ये कार भाई साहब। सुमित भैया चलो यार फ्री के टायर डल गए हमारी कार्स में। अब यार वो तो डल नहीं थे, तेरे भाई ने पहले क्या था यार, अभी मुझे 11 किलोमीटर और जाना है रेस के पास पहुंचने के लिए, 11 किलोमीटर दूर है जो हमारी रेस ऑर्गेनाइज हुई है। सुमित भैया प्यार से यार अभी मेरी शादी नहीं हुई है, भूल गए क्या, आपको डेली बताना पड़ता है क्या? अब यार सिंचन यार तू भी ऐसी बातें करता है यार, एक काम करो आज सिंचन को तुम ढंग से बता दो, आज तुम चैट के अंदर स्पैम कर देना सिंचन ओपी बिल्कुल यार। सुमित भैया यार वो तो मुझे पता है मैं ओपी हूँ, पर आप मुझे क्यों कॉपी बना रहे हो किसी की? अबे यार मैं प्यार से चला रहा हूँ यार, मैं क्या करूँ यार, मन बहुत करता है इस कार को ड्रिफ्ट करने का भाई, क्या परफेक्ट ड्रिफ्ट किया तेरे भाई ने। सुमित भैया ऐसे टोक्यो ड्रिफ्ट करते करते हमें 1 मिलियन के पास जाना है, भूल गए क्या? अबे हाँ यार मेरे को यार ऐसे टोक्यो ड्रिफ्ट करते करते 1 मिलियन के पास जाना है। तो गाइस क्या कर रहे हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर दो यार, नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा है उससे जाकर ग्रे कर दो। सुमित भैया यार इतना उनमें भी दिमाग है, अबे तेरे में नहीं है इतना दिमाग। सुमित भैया प्यार से चला लो यार, क्यों मारोगे क्या? अबे नहीं यार भाई मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार, ये वाली आराम से 300 टच हो गई भाई, क्या स्पीड है इस कार की भी। सुमित भैया यार मतलब खतरनाक काम हो रहा है आजकल तो, फोर्जा ने तो अपनी लाइफ ही चेंज कर दी, मतलब गाड़ियों के अंदर इतना बूस्ट दे दिया इन्होंने। अब वही तो यार, वही तो मैं तुझे समझा रहा हूँ कि यार मुझे तो मतलब इतना मजा आता है फोर्ज ओरिजन फोर में। गाइस आप लोगों को भी मजा आता है या नहीं आता फोर्ज ओरिजन फोर के अंदर जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। सुमित भैया पानी ये क्या है यार, पैसा यहाँ पर पानी क्यों जमा रहता है? बस पता नहीं यार यहाँ पर नदी नदी आती होगी, बाढ़ बूढ़ आ जाती है इसलिए यहाँ पर नदी का पानी जम जाता होगा रोड के ऊपर। सुमित भैया तो सही है अपनी गाड़ी एकदम लग्जरी प्रूफ है। अब वो लग्जरी प्रूफ नहीं होती, वाटर प्रूफ होती है। हाँ मतलब वही तो लग्जरी है इसलिए तो वाटर प्रूफ है। हाँ मतलब भाई ये भी बात सही है, लग्जरी है इसलिए वाटर प्रूफ है। सुमित भैया यार ये तो बहुत ज़्यादा दूर है, अभी तक कब पहुँचेंगे हम? यार मेरे हिसाब से यार अगर मैं ऐसे रोड जाता रहा तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। सुमित भैया यार तुम सही में बिल्कुल प्रो वाली ड्रिफ्ट करते हो, देखो यार क्या खतरनाक ड्रिफ्ट करते हैं सुमित भैया। अबे यार वो तो यार तेरा भाई प्रो है यार गाड़ी चलाने, वो तो GT5 थोड़ा वैसा गेम है, वो ना तेरा भाई रेसिंग गेम्स के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रो प्लेयर है। सुमित भैया यार ये क्या कर रहे हो, रोड आगे है ना कि घासों के अंदर? अब यार वो मुझे भी पता है यार, बाई मिस्टेक मुझसे ये गलतियां हो जाती है, आप भी शायद बाई मिस्टेक यहाँ पर आए हो। तो फाइनल गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, अब मैं जल्दी से पहुँचने वाला हूँ और यार बहुत देर हो गई मेरे को रोड जाते हैं, मेरे को ऑफ रोडिंग से जाना पड़ेगा वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा, मैं रेस जहाँ तक स्टार्ट हो जाएगी। सुमित भैया यार पेड़ ही नहीं टूटा, अबे क्या करूँ यार तू इतना खा के आया कि पेड़ ही नहीं टूटा। सुमित भैया नदी, अबे नदी नहीं, नदी तो गई पीछे। तो चलो यार मैं बस पहुँचने वाला हूँ, थोड़ा सा दूर हो रहा है। सुमित भैया रोड आगे निकल गया, ओ भाई मैं आ चुका हूँ फाइनली। ओ भाई गाइस आवाज़ सुन पा रहे, मतलब भाई क्या, मैं एक मिनट के लिए चुप हो जाता हूँ।
तो गाइस आप लोगों ने आवाज सुनी, मतलब टनल कितने अंदर कितनी खतरनाक आवाज है। रुको एक बार मैं चुप होता हूँ, आप आवाज सुनो इंजन की। भैया ये तो ऐसे लग रहा है कोई पायलट चिहाड़ रहा है। पर नहीं यार, मतलब गाड़ी का हॉर्स पावर कितना खतरनाक है। आपने देखा मतलब कितनी मस्त शानदार आवाज आ रही थी यार, मेरा तो दिल जीत लिया यार इस कार में सही में। भैया चलो यार फाइनली मैं पहुंचने वाला हूँ। ये मैंने करी एक रिवर पार, यहाँ से बस मेरे को अब 400 मीटर और जाना है, उसके बाद हम अपने रेस के अंदर एंट्री कर देंगे। उसमें भैया प्यार से ये कोई ऑफ रोडिंग कार नहीं है जो आप इसको ऑफ रोड चला रहे हो। अब वो मुझे पता है यार, बस बस पहुंच गए आराम से। तो चलो यार अब रेस स्टार्ट हो चुकी है, फाइनली मैं रेस के अंदर आ चुका हूँ। अब फिर से धोखाधड़ी कर दी यार, मेरी गाड़ी चेंज कर दी इन्होंने यार, क्या चक्कर है यार, बार बार मेरी गाड़ी चेंज कर देते हैं। ओ ओ भाई ओए और मेरी गाड़ी, ओ तेरी ये क्या है। अबे फोर्थ ओरिजिन फोर वालों क्या कर रहे हो, रेस हमेशा गाड़ियों के साथ होती है, ना कि एक रेल और ना कि कोई बोट के साथ। यार पिछली बार इन्होंने मुझे बोट के साथ रेस करवाई थी, इस बार मुझे यार ट्रेन के साथ रेस करवा रही है। उसमें भी ये तो पागल हो चुके हैं बिल्कुल ही। तो वो यार मेरे साथ के मुझे इसलिए फोर्थ ओरिजिन फोर वाले मुझे इसलिए इस गेम के अंदर बुलाते हैं क्योंकि मेरे साथ उल्टा काम करवाते हैं, मतलब मेरे साथ एक ट्रेन के साथ रेस करवा रहे हैं। यार ट्रेन से जीतना तो इम्पॉसिबल है सुमित भैया, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, बस अपने ऊपर बिलीव करो तो जीत जाओगे। और भाई साहब देखो यार ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड है, मेरे हिसाब से आगे निकल जाऊंगा। सुमित भैया हम तो जीतने वाले हैं। वो एक काम करता हूँ सिंचन, मैं इसके आगे अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ। ओ भाई ओ सिंचन ये तो उल्टी पड़ गई यार, मेरे को लगा ट्रेन वाला रोक लेगा पर इसने ट्रेन नहीं रोकी। सुमित भैया धीरे कर लो वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दी यार मैंने इसके साइड में लगा के, यार अब मेरे हिसाब से मैं पक्का हार जाऊंगा और यार हमारी लैम्बोर्गिनी वेन्यू ये आराम से रख लेंगे अपने गेम के अंदर। हमें अपनी गाड़ी नहीं हार के जानी है भाई। यहाँ पर फिर से यार मेरी तो स्पीड कम हो जाती है पानी के अंदर, पर रेल की कहाँ होती है यार, ट्रेन तो फुल स्पीड से जा रही है आराम से। सुमित भैया यार वो तो बहुत आगे निकल गई, अब वो मुझे भी दिख रहा है, पर यार मैं कैसे जीतूंगा उससे, वो तो बहुत आगे निकल गई मुझसे। सुमित भैया तुम बताओ क्या देख रहे हो मेरी सिकल, अब वो ही तो कर रहा हूँ यार, पर वो रेल है यार, उसको मैं कैसे हराऊंगा यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुमित भैया बताओ कि तो ही तो जीतोगे। तो यार ले बाबा का नाम, तो हम जीत के दिखाएंगे यार भाई साहब, अब के बार में फुल स्पीड से जाने वाला हूँ यहाँ से। सुमित भैया प्यार से चलाओ ना। अबे यार मुझे ऑफ रोडिंग नहीं आती यार इतनी, वो भी स्नो के अंदर चला रहा हूँ यार मैं कार को, स्नो के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट खा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा रिपटने लग रही है अपनी कार। सुमित भैया मेरे हिसाब से ट्रेन हमने पीछे छोड़ दी। ओ यार मैं अभी फर्स्ट नंबर पे चल रहा हूँ यार, ट्रेन को मैंने पीछे छोड़ दिया फाइनली। सुमित भैया ज्यादा खुश मत हो, वो आगे निकल गई। अबे यार मैं फिर से दो नंबर के आ गया। अबे कहाँ है ट्रेन, देखो यार बहुत जा रही है, मैं सेकंड नंबर पे आ गया भाई, मुझे जल्दी से इससे निकलना पड़ेगा। सुमित भैया बताओ इससे हमें जीतना है पक्का। ट्रेन को दिखाते हैं कि सुमित किसका नाम है, सिंचन किसका नाम है, सॉरी गलती से बोल दिया। ओह सुमित भैया आराम से। सुमित भैया क्या फाइनल, क्या क्या मजे आ गए, मतलब क्या फाइनल लुक निकल के आया है। अब यार ये आगे हिरन क्यों आ रहे हैं, हिरन के बच्चों पर अब साइड हो जाओ यार, लग जाएगी तुम्हारे कहीं पर। सुमित भैया यार बस हम पहुंचने वाले हैं, जल्दी और स्पीड से भगाओ। अब यार ट्रेन बहुत स्पीड से भग रही है यार, उसको मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। पकड़ लोगे, भगाओ तो। अब भगा तो रहा हूँ भाई, ये बहुत ज्यादा स्पीड से चल रही ट्रेन यार, इसको मैं पीछे कैसे करूंगा यार, क्या करूँ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुमित भैया फोकस फोकस होनी और रेस, इतना मत बोलो। अब वो ही तो कर रहा हूँ मैं, फोकस ही तो कर रहा हूँ भाई, एकदम बढ़िया तरीके से ड्रिफ्ट होते हुए मैं यहाँ से निकला हूँ। अब यार मुझे बस थोड़ा सा कवर करना है यार, 75% हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है यार, मुझे 25% के अंदर अपना रेस कोर्स कंप्लीट करना होगा और मुझे यहाँ से जीत के निकलना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाएगी, तो यार मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। भैया ट्रेन के पीछे लगा लो। अब नहीं यार ट्रेन का वे अलग, अपना वे अलग, क्या पता ट्रेन की पटरी पर अपनी गाड़ी अटक गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। गाइस सही कह रहे हैं सुमित भैया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गए। अबे यार तू चुप रहे यार सिंचन, ये भाई यार ये क्या हो गया, शिट यार क्या यार, बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट खा रही है हमारी कार। सुमित भैया करो यार कुछ तो जुगाड़, कर लो, कर ले जुगाड़, कर ले। अब गाने मत गा सिंचन, यहाँ जीतना है भाई भाई, अब मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओ भाई साहब बस आराम से लैंडिंग हो जाए। सुमित भैया भगाओ, फिनिश पॉइंट आ चुका है, अब भगा रहा हूँ। एक दो सुमित भैया, तो भाई कौन जीता। ओ ओ भाई तो मैं जीत गया, ओ फर्स्ट प्लेस। सुमित भैया ये क्या हो गया, हम तो जीत गए, अब तो नहीं जीतने चाहिए थे क्या। नहीं मेरे को लगा हम हार जाएंगे क्योंकि यार वो बिल्कुल रेस पॉइंट के पास आ गई थी ना ट्रेन और हम भी। तो भाई नली फाई यार, हम मैं और सिंचन दोनों जीत चुके हैं यार, मेरे को तो पार्टी करने का मन कर रहा है यार। सुमित भैया चलो जल्दी से GT5 के अंदर पार्टी करेंगे वहां पर। अब नहीं यार बहुत देर में पहुंचेंगे, अपने दोस्तों को तो बस यहीं तक दिखा दे। तो गाइस यार मतलब जीत चुके फाइनली। सुमित भैया यार मजे आ गए। तो गाइस आप लोगों को भी अच्छा लगा आज का गेम प्ले तो जरूर बताना, आज का वीडियो को मैं लाइक एम करता हूँ 8000 लाइक। अगर आप मुझे 8000 लाइक पूरे करवा देते और यार 1K कमेंट्स पूरे हो जाते इस वीडियो के ऊपर, तो यार हम इसका थर्ड पार्ट भी लाएंगे। तो गाइस क्या कर रहे हो, वीडियो के नीचे कमेंट करो ना जाके, जिससे हम सेकंड वीडियो भी लाए इसकी, सॉरी थर्ड वीडियो। और गाइस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और जब तक लिए ऐसे ही रेस लगाते रहो। बाय बाय।